हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं थम रहा बेजुबान पशुओं पर कुल्हाड़ी से वार करने का सिलसिला। सिरोही शिवगंज वेरावलपुर के पास अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से वार कर नंदी को जख्मी किया। गौ भक्त गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को सूचना दी। एम्बुलेंस के अभाव में निजी वाहन से कार्यकर्ता सहित अन्य गौ भक्तों ने एकत्रित होकर नंदी को पकड़ने का प्रयास किया। लहूलुहान हालत में नंदी दर्द से कराह रहा था। गौ भक्तों ने कड़ी मशक्कत के बाद नंदी पर काबू पाया। देर शाम पशु एम्बुलेंस के अभाव में किराए के वाहन से गौशाला परलाई भेजा गया, जहां उसका उपचार शुरू करवाया गया। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि कुल्हाड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है। गौवंश पर कुल्हाड़ी उपकरण के झटके देकर मार रहे हैं, पर प्रशासन अभी भी मौन है, अपराधी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में कड़ी कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन राजस्थान सरकार से आग्रह किया। वही सरकार व प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने बताया कि लंबे अरसे से पशु एम्बुलेंस की मांग करने के बावजूद भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इधर गौवंश के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कुल्हाड़ी की वारदात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क हादसे में खुर पका मुंह पका बीमारी से पीड़ित पशु रोजाना घायल अवस्था में पड़े मिल रहे हैं। ऐसे में गौवंश की सुरक्षा व उनके संरक्षण का ख्याल रखते हुए गौशाला में बेजुबानों को रखा जाए तथा गौशाला लाखों रुपए का अनुदान लेने के बावजूद भी आज पशु सड़कों पर विचरण करने के लिए मजबूर है। इधर गौशालाएं घायल पशुओं को लेने से इनकार कर रही है। उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करते हुए आवारा पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान गजेंद्र देवासी, भेरू देवासी, पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया, मांगीलाल, राणा राम देवासी, मिथुन मीणा, सरवन हीरागर, छगन लाल सहित वेरावलपुर टीम, गौ भक्त व ग्रामीण उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।